दोस्तों कल मेरे को बहुत दुख हुआ, एक बात आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरा फर्ज है आप लोगों के साथ अपने दिल की बात रखना। कल बीजेपी वाले नेताओं ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों पिछले 5 साल में दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के उसके लिए स्कूल का इंतजाम कराया, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कराया मैंने, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली के अंदर कोई भी बीमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम किया है मैंने, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। दोस्तों पिछले 5 साल में मैंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा है। तीर्थ यात्रा पे भेजना कौन सा गुनाह है? क्या मैं आतंकवादी हूं? पिछले 5 साल में अपने दिल्ली का कोई भी सिपाही, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो चाहे वो बॉर्डर पे हो, अगर कोई भी सिपाही शहीद होता है उसके बाद उसके परिवार का ख्याल रखने का मैंने इंतजाम किया है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मैंने दी है, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए तन मन धन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए न्योछावर किया हुआ है। कदम कदम पे जब जरूरत पड़ी मैंने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर किया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। डायबिटीज का मरीज हूं, दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। डायबिटीज का मरीज अगर 3-4 घंटे खाना नहीं खाए और इंसुलिन ले रहा हो उसकी मौत हो सकती है। मैंने 2 बार अपने देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 15-15 दिन का अनशन किया था, 15 दिन का अनशन डायबिटीज का मरीज होते हुए। सारे डॉक्टरों ने कहा था कि केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा, सारे डॉक्टरों ने कहा था 24 घंटे से ज्यादा केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा। यह ऊपर वाले का करिश्मा है कि आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। अपनी जान दांव पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए, अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, और ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। कल शाम को जब मैं अपने घर गया, मैं अपने मां बाप के साथ रहता हूं, मेरे मां बाप मेरा इंतजार कर रहे थे। कल शाम को जब मैं अपने घर पहुंचा मेरे मां बाप बहुत दुखी बैठे थे, बोले जी सवेर से टीवी पे देख रहे हैं ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। मेरे मां बाप ने कहा कि हमारा बेटा कट्टर देशभक्त है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मैं अपने दिल्ली वालों के ऊपर यह निर्णय छोड़ता हूं कि दिल्ली वाले तय कर लें कि आप मेरे को अपना बेटा मानते हो कि आतंकवादी मानते हो। 8 फरवरी को जब वोट डालने के लिए जाओगे, जब आप बटन दबाओगे, अगर आप मेरे को अपना बेटा समझते हो तो झाड़ू पे वोट दे देना, और अगर आप मेरे को आतंकवादी समझते हो तो कमल के ऊपर वोट दे देना। दोस्तों भारत माता की, इनकलाब इनकलाब।